तो सिंपल सा आप देखोगे ना यार, यहाँ पे आपके फोन के अंदर आपको बटन देखने को मिलती हैं। इसको हम बोलते हैं बैक बटन, होम बटन और रिसेंट टास्क बटन। ठीक है, तीनों बटन का नाम मैंने आपको बता दिया। इनको अगर आप स्क्रीन से हटाना चाहें, रिमूव करना चाहें, मतलब कि हाइड करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। बेसिकली सिंपल तरीके से, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का फ़ोन है तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो मेरे पास अभी सैमसंग की एक एम सीरीज़ का डिवाइस है। तो इसके अंदर हम सिंपल से सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं। तो सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको डिस्प्ले में आना है। ओके, जैसे ही आप डिस्प्ले के अंदर आते हैं, डिस्प्ले के अंदर जब आप आएंगे तो आपको थोड़ा नीचे जाना है। जैसे ही आप थोड़ा नीचे आएंगे, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक नेविगेशन बार। इनको नेविगेशन बार बोला जाता है। इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से आपका नेविगेशन बटन देखने को मिलती है। नेविगेशन बटन जो कि ये रखे हैं। ओके, फुल स्क्रीन जेस्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं आप, तो आप इस प्रकार से देखेंगे। यहाँ से आप होम और रिसेंट टास्क में जाएंगे, इधर से आप बैक करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये तो आप पहुँचे होम पे। ओके, प्रेस एंड होल्ड रिसेंट टास्क। ओके, और जो इसका बैक वाला है वो सिस्टम दिखाते हैं हम यहाँ से। इस प्रकार से बैक। ओके, और इस प्रकार से भी बैक। तो ये हो गया आपका नेविगेशन बार का फुल स्क्रीन जेस्चर, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसके बाद यहाँ से आपको मोर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हम, तो स्वाइप फ्रॉम साइड्स एंड बॉटम ये आपको देखने को मिलता है। इस पर मैंने क्लिक करके रखा है अभी। इसके बाद फ्रेंड्स, अलाउ बैक जेस्चर ऑन कीबोर्ड, आपको जो आपकी कीबोर्ड होंगे उसके अंदर आपको बैक जेस्चर्स देखने को मिल जाएगा अगर आप इसको इनेबल रखते हैं। ठीक है, बैक जेस्चर सेंसिटिविटी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से अगर आप इसको इनेबल रखेंगे तो आपको कीबोर्ड पे एक बैक का बटन देखने को मिल जाएगा। ओके, अभी के लिए इसको मैं ऐसे ऑफ कर देते हैं। और मेरे लिए जो आपका स्वाइप फ्रॉम साइड एंड बॉटम है वो ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो यहाँ से हम पहले अभी थोड़ा बैक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जेस्चर हिंट्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसको यहाँ से आप ऑफ कर देंगे तो आप सिंपल से तरीके से यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पे एक आपको लाइन दिखाई दे रही थी अभी, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अभी आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक जेस्चर हिंट देखने को मिलता है। ये इसको अगर आप ऑफ़ करते हैं, इनेबल करने के बाद आप इसको ऑफ़ करेंगे तो यहाँ से वो रिमूव हो जाता है। तो जेस्चर्स हिंट्स हैं वो आप यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, शो बटन टू हाइड कीबोर्ड, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। आपके जो कीबोर्ड बटन, आपके जो आपके बैक बटन रहेंगे वो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, जो कि करना भी चाहिए। तो मैंने यहाँ से हाइड कर रखे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको नेविगेशन सिस्टम समझ आ गया होगा कि आप किस प्रकार से अपने फ़ोन को एक क्लीन डिस्प्ले बना सकते हैं, अपनी स्क्रीन को थोड़ा लार्ज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को आप अपने माउस के थ्रू लाइक करो, नहीं यार, अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो हाथ के थ्रू लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।